स्वागत है आपका फास्ट समाचार में। मैं हूं आदाब खान और वक्त हो चला है आज की तमाम ताजा खबरों से आपको रूबरू कराने का। पैसे की चाह इंसान से कुछ भी करा सकती है। इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये घटना जहां पैसे के आगे रिश्तों का कोई मोल नहीं। चार दिन पहले म्याना में हुए दोहरे हत्याकांड ने पुलिस को सकते में डाल दिया था, लेकिन पुलिस की मेहनत रंग लाई और इस हत्याकांड से पर्दा उठा। आपको बता दें कि म्याना में हुए दोहरे हत्याकांड की सनसनीखेज वारदात को पुलिस ने एक बड़ी चुनौती दे डाली थी, लेकिन पुलिस की सूझबूझ से हत्याकांड से पर्दा उठा और आरोपी सलाखों के पीछे पहुंचा। 20/5/19 को थाना म्याना में लताबाई और एक बालिका की घर में संदेहास्पद स्थिति में हत्या कर दी गई थी। उसका पीएम कराया गया, तब पुलिस को स्पष्ट हुआ कि सिर में चोट के निशान हैं और जगह भी चोटों के निशान पाए गए। इस संबंध में मृतिका के बालक जो घर में रहता है दीपक, उससे पूछताछ की गई, तब उसने प्रथम दृष्टया ये बताया कि दोनों को करंट लगने से इनकी मौत हो गई, लेकिन उसमें तथ्यों की छानबीन करी तब यह स्पष्ट हुआ कि मृतिका को और उस बालिका को दीपक ने ही लट से मारपीट करके हत्या की है और उसका कारण पैसे मृतिका से मांगा था दीपक ने, तब मृतिका ने पैसे नहीं दिए और उसी बात पर से विवाद हुआ और आवेश में आके आरोपी दीपक ने मृतिका और एक बालिका की निर्मम तरीके से हत्या की गई है। उस मामले की छानबीन के लिए एसडीओपी साहब और प्रोबेशनर डीएसपी को छानबीन के लिए नियुक्त किया गया और उन्होंने गहन पूछताछ करने के बाद मामले में सफलता प्राप्त की और दीपक को गिरफ्तार किया गया है और एक बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी। फास्ट समाचार के लिए गुना से सचिन रघुवंशी की रिपोर्ट।